मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित फ्रॉम रेवोल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट, यह है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, इसको हमने आज समझना है कैसे ये वर्क करता है। मैं आपको थोड़ा एक मॉडल के ज़रिए से बताऊँगा कि ये काम करता है कैसे। पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर मैंने लिया हुआ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर है और यहाँ पर स्विच है इसका ऑन ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये लाइट ग्लो हुई है, जो इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि ये मैग्नेटाइज हो गया है। तो ये आप देखोगे, जैसे ही मैं मेरे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पर मैग्नेट में ले लेता हूँ। मैंने मैग्नेट को एक ग्लास में रख दिया, यहाँ पर मैं जैसे ही स्विच ऑन करूँ मैग्नेट हो गया, जैसे मैं क्लोज करूँ लॉक हो जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने सप्लाई है वो दे रखा है एक, तो वो ऑटोमेटिक। इसमें क्या है कि एक ये नॉर्थ मैग्नेट बनता है, एक बार साउथ बनता है, नॉर्थ साउथ कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो ये चेंजिंग, तो इस फील्ड में अगर परमानेंट जब आता है, परमानेंट मैग्नेट जब हम लोग इस फील्ड में रखते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टी है, द नॉर्थ देखो। तो जब नॉर्थ होता है, यहाँ भी नॉर्थ होता है, तो यह रिपेल करता है, ये जंप कर आगे। जब इसका दूसरा साउथ रिपेल कर, ये एक्चुअली जंप कर, जैसे यहाँ पे ऑन किया तो ये यहाँ से जंप कर गया। अब मैं इसे एक कंटेनर ग्लास में ऑन कर रखती है, मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग परमानेंट मैग्नेट है वो चल रहा है, उस फील्ड में रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ले ली कॉइल और ले लिया मैंने, ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। ट्रांसफार्मर में जो कोर में ई और आई होते हैं, आई को मैंने हटा के ओनली ई को इसमें लिया हुआ है। बीच में जो आपकी जो कॉइल है, कॉइल को लगा दिया, साइड में जो इसके कोर है वो फ्लिप कर दिया, एक साइड से इसका जो कोर है वो ओपन है एक साइड से, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट है, और ये भी जो जो मैग्नेट बनाया हुआ है ये भी वन साइड इनकम्प्लीट है। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करता हूँ, कम्प्लीट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इंड्यूस होता है, इंड्यूस एयर में करेगा, यहाँ जो इंडक्शन हो रहा है वो जाता, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो ये मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, अगर मैग्नेट को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ तो ये कंप्लीट ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होती है, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। इसलिए देखो यहाँ ये कोर है और ये और इसके ऊपर मैं लगा रखा है LED, इसी में इसे ऑन करूँगा तो मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा तो मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा फील्ड में। देखोगे ये देखोगे LED ग्लो हो रही है, ठीक है। कोई सिग्नल कनेक्टिविटी है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटाइज हो जाता है, रोटेट करता है। ये सेकेंडरी कॉइल में एंटर होता है, सेकेंडरी कॉइल में होगा तो वहाँ पे वोल्टेज है वो होगा। वोल्टेज हम लोग क्या कर रहे हैं, LED को सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ इंटरनली मैंने एक रेजिस्टर लगा रखा है, क्योंकि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, उससे मैंने जो कॉइल है वो बनाई हुई है। तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे मुझे जो है डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि LED एक डायोड है तो उसके थ्रू जो वोल्टेज आता है तो LED ऑफ और ग्लो। तो यहाँ जो इंटायरली प्रोसेस है ये करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये मैग्नेटाइज होगा, ये इसे भी सेकेंडरी कॉइल को भी इंड्यूस करेगा, जो यहाँ पे मैंने ये कॉइल ले रखी है इसको भी इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करने से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करेगा, फाइनली जो LED में देख। तो यहाँ क्या कर, एक्चुअली इसे इंड्यूस कर रहा है मैं
अच्छे से स्विच ऑन करा हुआ है, फील्ड से दूर है। आप देखोगे जब ये इसकी फील्ड में आएगा तभी ये मैग्नेटाइज होकर उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। आप देखोगे इनके बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है। इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ओनली मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। सब ट्रांसफार्मर इसी बेस पे काम करते हैं। तो जो प्राइमरी कॉइलिंग में जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है, और जो उनके बीच में कनेक्टिविटी है वो सिर्फ मैग्नेटिक कंडक्टिविटी से मैग्नेट के थ्रू इंड्यूस होता है, तब जाके सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अगर प्राइमरी कॉइल में कोई वोल्टेज नहीं रहेगा तो इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल कोई टाइप की कंडक्टिविटी नहीं रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में देखा हो। रिलीज करूंगा स्विच को तो वो मैग्नेटाइज हो गया। जो एलईडी तो ये इसका मतलब ये है मैग्नेटाइज कर रहा है। बीच में जो ये है ग्लास है वो कोई बैरियर क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ग्लास के थ्रू भी पास हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसीलिए ग्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा इतनी आपसे दूर ले जाओगे उतना ही है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वीक हो जाती है तो जो इसका जो इंडक्शन है वो भी कम हो जाता है। जैसे जैसे मैं इसे पास लूँगा तो इंडक्शन जो है वो हाई होगा और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यह सब है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग मैग्नेटाइज जो ये प्राइमरी मैग्नेट है सेकेंडरी कॉइल को मैग्नेटाइज करता है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जाती है। तो इस टाइप से हमारी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है वो वर्क करती है।